मिडिल ईस्ट इस समय एक ऐसी ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों ने इसराइल को इसका माकूल जवाब देने की कसम खाई है, जिसके चलते हिजबुल्ला ने इसराइल पर आज बड़े स्तर पर हमला बोला। हानिया की हत्या में ईरान ने इसराइल को दोषी ठहराया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इस हमले में लेबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेटों की बौछार की है। हिजबुल्ला ने इस हमले को फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन, हमास लीडर की हत्या और इसराइल के हमले में 17 वर्षीय बच्चे की मौत का बदला बताया है। ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ दिनों पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया पर हमला हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। हानिया की मौत का जिम्मेदार इसराइल को माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इसराइल ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इन सभी के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने हानिया की मौत का बदला लेने की बात कही है। हानिया की मौत से पहले बैरूत इजरायली हमले में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुकर की मौत हो गई थी। इन दोनों हमले के बाद से लगातार मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का माहौल बना हुआ है। इसी माहौल के बीच इसराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की। इसराइल ने 3 अगस्त को लेबनान में स्थित हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली फोर्स ने लेबनान के हरफा और कफरकिला के इलाके में जमकर हमला किया। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला को काफी भारी नुकसान हुआ है। इसराइल के किए गए हवाई हमले में हिजबुल्ला के कमांडर अली नाजिया अब्द अली की मौत हो गई। फुआद के बाद एक और कमांडर की मौत हिजबुल्ला के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि अली नाजिया हिजबुल्ला के दक्षिणी क्षेत्र के मोर्चे और हिजबुल्ला के कामकाज को संभालता था। इसराइल के किए गए इस हमले में हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर हवाई हमला किया, जिसमें लेबनान ने इसराइल पर एक साथ 50 मिसाइलें दागी। हालांकि हिजबुल्ला के अटैक के बाद आयरन डोम एक्टिव हो गया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आयरन डोम हिजबुल्ला की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस हमले में इसराइल में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हानिया की मौत के बाद से ही ईरान ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के संभावित हमले को देखते हुए इसराइल की मदद के लिए अमेरिका भी आ गया। अमेरिका ने इस क्षेत्र में युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज दिए। अमेरिका ने इस इलाके में एक विमान वाहक पोत भी तैनात करेगा, ताकि ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा संभावित हमलों से इसराइल की रक्षा की जा सके। इसी बीच पश्चिमी सरकारों ने अपने नागरिकों से लेबनान जल्द से जल्द छोड़ने का निर्देश दिया है। बता दें कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है। शनिवार को फिर से इसराइल ने हिजबुल्ला पर हमला किया था। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई थी। इसी बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और अन्य देशों ने इसराइल और मिडिल ईस्ट में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है।